Hi friend, you are most welcome once again at my channel Advanced Learnex and today we will learn new few sentences. जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं. हमेशा की तरह आज हम लोग फिर से जानने वाले हैं आज के कुछ लेटेस्ट और डेली यूजेज सेंटेंसेज. फ्रेंड, मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ. देखिए फ्रेंड, डेली यूजेज सेंटेंसेज उन सेंटेंसेज को बोला जाता है जिन सेंटेंस को हम अपने डेली टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं. मतलब कि फ्रेंड, ऐसा सेंटेंस जिस सेंटेंस को हम लोग डेली लगभग बोलते हैं, तो ऐसे सेंटेंस को डेली यूजेज सेंटेंस कहा जाता है. तो फ्रेंड चलिए शुरू करते हैं. और फ्रेंड गुड न्यूज़ आज का ये है कि आज मैं आपको 60, जी हाँ सब आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं, आज मैं आपको 60 न्यू डेली यूजेज सेंटेंस बताऊंगा इस वीडियो में. और फ्रेंड मैं यहाँ पे वीडियो शुरू करने से पहले मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि आप जब भी मेरे वीडियो को देखें तो आप प्लीज़ फ्रेंड आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को स्टार्ट से लेके और इन तक देखें. फ्रेंड जब आप मेरे वीडियो को स्टार्ट से लेके और इन तक देखेंगे तो ही आपके समझ में आएगा. और फ्रेंड जो मैं अक्सर बोलता रहता हूँ, आज मैं आपको फिर से यहाँ पे याद दिला देता हूँ. देखिए फ्रेंड, आप कभी भी फ्रेंड इंग्लिश बोलें तो फ्रेंड आपका जो भी सेंटेंस हो, जी हाँ दोस्तों, सेंटेंस आप कुछ भी हो, ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको क्या बोलना है. लेकिन फ्रेंड आपका सेंटेंस कुछ भी हो, बस आपको आपका जो भी सेंटेंस हो उसको आपको इंग्लिश में थिंक करना है, इंग्लिश में सोचना है और इंग्लिश में ही बोलना है. ये नहीं कि मतलब हिंदी में सोचे हैं फिर उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, मतलब कि ट्रांसलेट करेंगे फिर उसको बोलेंगे. फ्रेंड जब भी हम लोग कोई भी सेंटेंस अपना लेते हैं, पहले उसको मतलब हिंदी में रहता है फिर उसको हम लोग इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं. फ्रेंड ऐसा होता है कि हमारे बहुत सारे फ्रेंड ऐसे हैं कि वो उनका जो सेंटेंस होता है तो वो उनको मतलब कन्वर्ट करते हैं, पहले इंग्लिश में मतलब कि ट्रांसलेट करते हैं फिर बोलते हैं. फ्रेंड ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना. फ्रेंड ये बिल्कुल ओल्ड मेथड है. बस आपको आपका जो भी सेंटेंस हो यार उसको आप इंग्लिश में सोच लो ना, क्या फर्क पड़ता है. ऐसे तो मतलब जैसे कि हिंदी सोचते हो हिंदी में बोल दे तो फटक से, उसी तरह वो करना है, कुछ नहीं करना. बस आपका जो सेंटेंस हो उसको आपको आपके अपने माइंड में जो है इंग्लिश में सेट करना है, इंग्लिश में थिंक करना है, इंग्लिश में सोचना है और इंग्लिश में ही कन्वर्ट कर देना है. मतलब फ्रेंड लगता है आपको समझ में नहीं आती. फ्रेंड ऐसा होता है कि जब हम हिंदी बोलते हैं ना तो हम लोग का जो सेंटेंस होता है उसको हम लोग अपने माइंड में हिंदी में सेट करते हैं और हिंदी में ही बोल देते हैं. इसलिए फ्रेंड हम लोग हिंदी बहुत ही फ्लुएंट बोल पाते हैं और इंग्लिश में हम लोग इसलिए अटक जाते हैं कि पहले हम लोग क्या करते हैं कि ट्रांसलेट करने के चक्कर में लग जाते हैं, इसलिए फ्रेंड हम लोग अटक जाते हैं इंग्लिश बोलने में. और फ्रेंड इसलिए आप लोग ये क्या करें कि आपका जो भी सेंटेंस हो आप ज़्यादातर ऑलमोस्ट कोशिश क्या करें कि आपका जो भी सेंटेंस हो उसको आप लोग इंग्लिश में सोचें और इंग्लिश में ही बोलें. तो इससे ये होगा कि आपका जो इंग्लिश है वो बहुत जल्द, यहाँ दोस्तों बहुत जल्द आपका जो इंग्लिश है वो फ्लुएंट होने लगेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका इंग्लिश जो है वो फ्लुएंट हो चुका है. इससे फ्रेंड मैं मेरा यहाँ पे सजेशन है, पर्सनल सजेशन आप लोगों के लिए और मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस यहाँ पे यही है कि आपका जो भी सेंटेंस हो फ्रेंड आप अपने सेंटेंस को इंग्लिश में थिंक करें और इंग्लिश में ही बोले. हमेशा इंग्लिश में सोचना है और उसको इंग्लिश में ही बोलना. ये नहीं कि कभी भी फ्रेंड आपको हिंदी में नहीं सोचना है और फ्रेंड आपको इंग्लिश में सोचना है और इंग्लिश में बोलना. बस आपको आपका जो मेंटेलिटी है उसको इस तरह सेट करना है कि आपको आपका सेंटेंस इंग्लिश में थिंक करना है, इंग्लिश में सोचना है और इंग्लिश में बोलना है. और फ्रेंड गुड न्यूज़ ये है जो कि मैंने पहले ही आपको बताया कि आज मैं आपको 60 डेली यूजेस सेंटेंस बताऊंगा जिसका डेली टू डेली लाइफ में बहुत बड़ा यूज़ है. तो फ्रेंड चलिए शुरू करते हैं इसे और जानते हैं कि आज का डेली यूजेस सेंटेंसेस जो कि मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो कौन सा है. तो चलिए शुरू करते हैं. आज का हमारा पहला सेंटेंस है जिद मत करो, डोंट बी स्टबर्न. फ्रेंड प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दें, स्टबर्न. नेक्स्ट सेंटेंस है मुझसे पंगे मत लो. नेक्स्ट सेंटेंस है मुझसे पंगे मत लो, डोंट मेस विथ मी. मुझसे पंगे मत लो. और फ्रेंड चलते हैं हमारे अगले सेंटेंस पे. अगला सेंटेंस है दिल पे मत लो. फ्रेंड कभी कभी हम लोग किसी को बोलते हैं ना दिल पे मत लो, दिल पे मत लो, इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह से कन्वर्ट करेंगे, दिल पे मत लो. डोंट टेक इट ऑन हर्ट, डोंट टेक इट ऑन हर्ट. कमरे में सन्नाटा छाया हुआ है, कमरे में सन्नाटा छाया हुआ, देर इज पिन ड्रॉप साइलेंस इन द रूम. परिश्रम ही सबसे बड़ा धन है, परिश्रम ही सबसे बड़ा धन है, परिश्रम ही सबसे बड़ा धन है. हार्ड वर्क पेज ऑफ या हार्ड वर्क ऑलवेज पेज. फ्रेंड दोनों का मीनिंग एक ही होता है, ये आप पे डिपेंड करता है आपको क्या बोलना है. और इसी के साथ हम लोग चलते हैं अगले एग्जांपल पे. फ्रेंड अगला सेंटेंस है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. फ्रेंड हम लोग अक्सर बोलते रहते हैं ना इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इस तरह के सेंटेंस को बोलेंगे इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस. और फ्रेंड अगला सेंटेंस है इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता. चलिए इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं. इंग्लिश बहुत ही इजी है, बस आप मेरी वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखें. इट डजेंट मैटर टू मी. और फ्रेंड हमारा अगला सेंटेंस इस तरह से है. फ्रेंड अगला सेंटेंस हमारा इस तरह से है कि फ्रेंड ये तो हो गया मतलब इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता,
और फिर अगला सेंटेंस है क्या आप थोड़ी चाय लेंगे। फिर हम लोग अक्सर बोलते रहते हैं ना क्या आप थोड़ी चाय लेंगे, क्या आप थोड़ी चाय लेंगे, किसी गेस्ट को बोलते हैं, फ्रेंड को बोलते हैं, किसी भी फ्रेंड हम लोग चाय ऑफर करते हैं। वुड यू लाइक सम टी और वुड यू लाइक टू हैव सम टी, दोनों का मीनिंग एक ही होता है। अगला सेंटेंस है मैं अपनी गलती मानता हूँ, आई एडमिट माई मिस्टेक। अगला सेंटेंस है कितना टाइम हुआ है। फ्रेंड ये तो हम लोग अक्सर किसी न किसी से पूछते रहते हैं कितना टाइम हुआ है, चलो आज के बाद इंग्लिश में पूछते हैं ठीक है। कितना टाइम हुआ है, कितना टाइम हुआ है, व्हाट्स द टाइम, व्हाट्स द टाइम, कितना टाइम हुआ है। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं अगला सेंटेंस। 5 बजे हैं, इट्स 5 o'clock, इट्स 5 o'clock। अगला सेंटेंस हमारा है गैस ख़त्म हो गया है। फ्रेंड ये तो अक्सर सिलेंडर ख़त्म होता है तो हम लोग बोलते हैं द गैस हैज़ फिनिश। फ्रेंड ये सेंटेंस जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। फ्रेंड मैंने प्रीवियस वीडियो में ये सेंटेंस आपको बतलाया होगा। अगला सेंटेंस है क्या आपको पानी चाहिए, क्या आपको पानी चाहिए। हम फ्रेंड किसी को ऑफर करते हैं कि आपको पानी चाहिए, किसी गेस्ट से पूछते हैं कि आपको पानी चाहिए, विल यू हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, विल यू हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या आपको पानी चाहिए। फ्रेंड हमारा अगला सेंटेंस इस तरह से है हमारी दुकान रात 5 बजे बंद होती है, हमारी दुकान रात 5 बजे बंद होती है। इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह से कन्वर्ट करेंगे। चलिए देखते हैं आवर शॉप शट्स एट 9 PM। और फ्रेंड इसी के साथ हम लोग चलते हैं अपने अगले एग्जांपल पे, अगले सेंटेंस पे। हमारा अगला सेंटेंस इस तरह से है, तो चलिए फ्रेंड जानते हैं। अगला सेंटेंस है ऐसी बात नहीं है। कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है, अक्सर हम लोग बोलते रहते हैं क्योंकि फ्रेंड हम लोग को कभी ना कभी इस तरह के सेंटेंस बोलने की ज़रूरत पड़ जाती है। दिस इज़ नॉट द केस, दिस इज़ नॉट द केस, ऐसी बात नहीं है। अगला सेंटेंस हमारा है दिवाली साल में एक बार आती है, दिवाली कम्स वंस अ ईयर, कुछ चिंता मत करो कोई बात नहीं है। हम लोग अक्सर बोलते रहते हैं इस तरह का सेंटेंस, तो चलिए इंग्लिश में किसी से कन्वर्ट करते हैं जानते हैं। नेवर माइंड, दोनों का मतलब एक ही होता है। और फ्रेंड हमारा अगला सेंटेंस है भूलना मत। ये तो फ्रेंड हम लोग अक्सर बोलते रहते हैं किसी न किसी को भूलना मत, भूलना मत। एक्चुअली सेंटेंस बहुत ईजी है लेकिन इंग्लिश में किसी से कन्वर्ट करते हैं वो डिपेंड करता है। डोंट फॉरगेट, फ्रेंड आप लोग को फॉरगेट बोलना है, फॉरगेट नहीं बोलना है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। फ्रेंड यहाँ पे ओनली एक सेंटेंस है शेम ऑन यू। और फ्रेंड अगला सेंटेंस है मेरी नज़रों से दूर चले जाओ, गेट आउट ऑफ माई साइट, मेरी नज़रों से दूर चले जाओ। अगला सेंटेंस हमारा इस तरह से है ये प्रोग्राम देखने लायक है। फ्रेंड कभी 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 कोई प्रोग्राम देखने का हम लोग बोलते नहीं, ये प्रोग्राम देखने लायक है, अक्सर हम लोग इस तरह का सेंटेंस बोलते रहते हैं ये प्रोग्राम देखने लायक है। चलिए इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं दिस प्रोग्राम इज़ वर्थ वॉचिंग। फ्रेंड वर्थ का मतलब होता है लायक। फ्रेंड यहाँ पर आप लोग प्रोनंसिएशन पर भी ध्यान दें, जिस तरह से हम बोलते हैं आपको बिल्कुल उसी तरह से कॉपी करना है और बोलना है। और फ्रेंड चलते हैं हम लोग अगले एग्जाम्पल पर। हमारा अगला एग्जाम्पल इस तरह से है जैसे जैसे आपकी मर्ज़ी, जैसी आपकी इच्छा, एज़ यू विश, एज़ यू प्रेफर, एज़ यू लाइक। फ्रेंड यहाँ पे तीनों का मतलब एक ही होता है। फ्रेंड अगला एग्जांपल इस तरह से अच्छा फिर मिलेंगे, अच्छा फिर मिलेंगे, ओके सी यू अराउंड, इसका मतलब होता है अच्छा फिर मिलेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा इस तरह से है मौके का पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। फ्रेंड यहाँ पे ओनली यह सेंटेंस है मेक द मस्ट ऑफ द अपॉर्चुनिटी। फ्रेंड प्रोनंसिएशन पे आप यहाँ पे ध्यान दें। और फ्रेंड इसी के साथ हम लोग चलते हैं अगले एग्जाम्पल पर। अगला सेंटेंस इस तरह से है मुझे कोई परवाह नहीं, आई डोंट केयर, हु केयर्स, दोनों का मीनिंग एक ही होता है, मुझे कोई परवाह नहीं। इसी के साथ हम लोग चलते हैं अगले एग्जांपल पे। फ्रेंड अगला एग्जांपल इस तरह से है जैसे तुम्हें उचित लगे, जैसे तुम्हें उचित लगे, डू एज़ यू प्लीज़, दोनों फ्रेंड इसका मतलब होता है डू एज़ यू प्लीज़, जैसे तुम्हें उचित लगे। और फ्रेंड अगला सेंटेंस इस तरह से क्या मतलब। फ्रेंड हम अक्सर बोलते रहते हैं ना क्या मतलब, क्या मतलब, क्योंकि फ्रेंड सेंटेंस है तो आज ना कल तो बोलना ही है, तो चलो आज ही बोल लेते हैं और सीख लेते हैं मतलब क्या मतलब। अब क्या मतलब ये तो हिंदी में नॉर्मल है, इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट डू यू मीन। और फ्रेंड अगला सेंटेंस है मुझे बुखार है। फ्रेंड कभी कभी बुखार आ जाता है ना किसी को भी, आई हैव फेवर या आई हैव फेवर, दोनों का मीनिंग एक ही होता है। मैं बहुत थक गया हूँ, मैं बहुत थक गया हूँ, आई एम एक्सट्रीमली टायर्ड। और फ्रेंड अगला सेंटेंस इस तरह से है पागल मत बनो, मूर्खों जैसा व्यवहार मत करो। फ्रेंड इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश इस तरह से कन्वर्ट करेंगे डोंट बी सिली, मतलब पागल मत बनो। नेक्स्ट सेंटेंस है कैसा लगा। फ्रेंड हम लोग अक्सर किसी न किसी को बोलते रहते हैं ना कैसा लगा, कैसा लगा, हाउ डू यू लाइक, मतलब कैसा लगा, हाउ डू यू लाइक, मतलब कैसा लगा। प्रोनंसिएशन पर ध्यान दें सेंटेंस के साथ साथ, बहुत ज़रूरी है। और फ्रेंड नेक्स्ट सेंटेंस हमारा इस तरह से है, चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले सेंटेंस पे। हमारा अगला सेंटेंस इस तरह से है।
फ्रेंड यहाँ पे ये सेंटेंस जो होगा ये हमारा 32 सेंटेंस है। मेरा पेट ख़राब है, माय स्टमक इज़ अपसेट। फ्रेंड स्टमक बोलना है। अगला सेंटेंस है पहले आप। ये तो फ्रेंड हम लोग अक्सर बोलते रहते हैं बस में या कहीं भी किसी को बोलते हैं पहले आप, पहले आप। ये बहुत ही पॉपुलर सेंटेंस है। तो पहले आप कभी भी अगर हम लोग को बोलना होगा तो हम लोग इस तरह से बोलेंगे, मतलब पहले आप, आफ्टर यू मतलब पहले आप। अगला सेंटेंस हमारा है कैसे। फ्रेंड जब हम लोग सेंटेंस भी यूज़ करेंगे कैसे तो हम लोग को बोलना होगा हाउ कम। ऐसे तो फ्रेंड हाउ मीन्स कैसे होता है आप सभी को पता होगा, लेकिन जब सेंटेंस में यूज़ करेंगे तो आपको हाउ कम बोलना पड़ेगा। ये एक तरह का फ्रेज भी हो जाता है। और फ्रेंड चलते हैं हम लोग अगले एग्जांपल पे, अगले सेंटेंस पे। फ्रेंड हमारा अगला सेंटेंस इस तरह से है, चलिए जानते हैं, जो कि 35 सेंटेंस हमारा यहाँ पर होगा। तुम्हारी नाक बह रही है। फ्रेंड यहाँ पे ओनली ये सेंटेंस है, योर नोज़ इज़ रनिंग। और फ्रेंड हमारा अगला सेंटेंस इस तरह से है, ऐसा मत करो, डोंट डू इट। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा इस तरह से है, बस अब बहुत हुआ, अब रहने दो। ये तो फ्रेंड हम अक्सर बोलते रहते हैं, अक्सर बोलते रहते हैं, डैट्स इनफ, इनफ इज़ इनफ। और फ्रेंड अब हम लोग चलते हैं अगले एग्जांपल पे, आपसे मिलकर खुशी हुई। फ्रेंड ये तो हम लोग अक्सर बोलते रहते हैं, ग्लैड टू मीट यू, ग्लैड टू मीट यू, आपसे मिलकर खुशी हुई। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, बस बराबर है या ठीक है। अभी तो हम लोग अक्सर बोलते रहते हैं बराबर है या ठीक है, तो इसको इंग्लिश में किस कन्वर्ट करेंगे, चलिए जानते हैं। डैट्स इट मतलब बराबर है, ठीक है, या बस भी आप बोल सकते हैं, या पे डिपेंड करता है। और फ्रेंड इसी के साथ हम लोग चलते हैं अपने 40 सेंटेंस पे। तुमने मेरी चाय गिरा दी। फ्रेंड कभी कोई हमारा चाय गिरा देता है या बच्चे या कोई भी, तो हम लोग बोलते हैं तुमने मेरी चाय गिरा दी। यू हैव स्प्लिट माई टी। फ्रेंड यहाँ पे स्प्लिट जो होता है ये यहाँ पे चाय, चूँकि चाय है तो इसलिए यहाँ पे लिक्विड में ना स्प्लिट यूज़ होता है, और ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, इसलिए यहाँ पे यू हैव स्प्लिट माई टी। नेक्स्ट सेंटेंस है क्यों नहीं। ये तो हम लोग अक्सर बोलते रहते हैं किसी न किसी को, क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं। चलिए आज जानते हैं इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, वाई नॉट, वाई नॉट। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा यहाँ पे है, अपने काम से मतलब रखो, माइंड योर ओन बिजनेस। फ्रेंड आप लोग को ओन बोलना है। नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ पे है, थोड़ा सा भी नहीं, थोड़ा सा भी नहीं। ये फ्रेंड हम लोग अक्सर बोलते रहते हैं इस तरह का सेंटेंस। तो फ्रेंड थोड़ा सा भी नहीं, इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह कन्वर्ट करेंगे, नॉट अ बिट, नॉट अ बिट। नेक्स्ट सेंटेंस है, बारिश हो रही है। ये तो फ्रेंड सभी को पता होगा, इट्स रेनिंग। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, क्या तुम धीरे बात कर सकते हो, कैन यू स्पीक स्लोली, कैन यू स्पीक स्लोली। तुम्हें किसने कहा, हु टोल्ड यू दिस। नेक्स्ट सेंटेंस है, शो शुरू होने वाला है, तो इसको इंग्लिश में चलिए कन्वर्ट करते हैं, द शो इज़ अबाउट टू स्टार्ट। फ्रेंड द शो इज़ अबाउट टू स्टार्ट, शो शुरू होने वाला है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा इस तरह से है, अपनी उम्र के हिसाब से व्यवहार करो, बी योर एज, एक्ट योर एज। दोनों का मीनिंग एक ही होता है, आप पे डिपेंड करता है आपको क्या बोलना है। तुम्हें क्या परेशानी है, वर्स ट्रबलिंग यू, वर्स बॉदरिंग यू। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, और कुछ, एनीथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स, और कुछ। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, सुनो, हम लोग किसी को बोलते हैं ना सुनो, लिसन। फ्रेंड लिस्टन नहीं बोलना, लिसन बोलना है। यहाँ तुम्हारा क्या काम है, व्हाट्स योर बिजनेस हेयर, यहाँ तुम्हारा क्या काम है। नेक्स्ट सेंटेंस है, बाहर इंतज़ार करो, बाहर इंतज़ार करो। फ्रेंड ये तो हम लोग अक्सर किसी न किसी को बोलते रहते हैं, वेट आउटसाइड। फ्रेंड प्रोनंसिएशन पे ध्यान दें, वेट आउटसाइड। मुझे शर्मिंदा मत करिए, मुझे शर्मिंदा मत करिए, डोंट एम्बेरस मी। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, कितने लोग आ रहे हैं। ये तो अक्सर हम लोग फ्रेंड किसी न किसी को बोलते रहते हैं जब कोई गेस्ट आने वाले रहते हैं, तो कितने लोग आ रहे हैं, हाउ मैनी पीपल आर कमिंग, हाउ मैनी पीपल आर कमिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या आप नाराज़ हैं। ये तो फ्रेंड अक्सर बोलते रहते हैं हम लोग, आर यू एंग्री, आर यू एंग्री। क्या हुआ हमारा अगला सेंटेंस है, क्या हुआ, व्हाट्स द मैटर, व्हाट हैपेंड। दोनों का मीनिंग एक ही होता है, ये आप पे डिपेंड करता है आपको क्या बोलना है। अब दोनों ही बोले, दोनों ही सही है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, रात के खाने में क्या क्या बना है, व्हाट्स द मेन्यू फॉर डिनर। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, मेरा गला ख़राब है, मेरा गला ख़राब है, आई हैव सोर थ्रोट, मेरा गला ख़राब है। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, मेरे सर में दर्द है। ये तो फ्रेंड अक्सर हम लोग बोलते रहते हैं, आई हैव अ हेडेक। फ्रेंड हेडेक का मतलब होता है सर दर्द, आप लोग याद रखें, हेडेक, आई हैव अ हेडेक, मेरे सर में दर्द है, आई हैव अ हेडेक। ये फ्रेंड याद रख लिया आप लोग, क्योंकि हम लोग इस तरह का सेंटेंस अक्सर बोलते रहते हैं, ये तो फ्रेंड बोलना ही है, श्योर है, मेरे सर में दर्द है, आई हैव अ हेडेक। ये तो फ्रेंड हम लोग हेडेक बोलते हैं, लेकिन आज सेंटेंस हम लोग सीख लिए हैं, आई हैव अ हेडेक, मेरे सर में। आई होप फ्रेंड आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। और फ्रेंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो फ्रेंड प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और फ्रेंड आप अपना कमेंट करना तो फ्रेंड बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि फ्रेंड आप जो कमेंट करते हैं उससे मुझे पता चलता है कि आज आपका जो फीडबैक रहता है वो मुझ तक पहुँच पाता है, और मैं फ्रेंड अपना जो मेरा बेस्ट परफॉर्मेंस रहता है वो मैं आपके सामने देता हूँ। तो
तो फ्रेंड कमेंट करना फ्रेंड बिल्कुल भी नहीं भूले। और फ्रेंड आप मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इससे फ्रेंड आप मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड के पास भी शेयर कर सकते हैं। इससे ये होगा कि आपके जो भी फ्रेंड है वो मेरी वीडियो से हेल्प ले सकेंगे और वो भी आपके तरह और मेरे तरह अपने इंग्लिश को फ्लुएंट कर पाएंगे। और फ्रेंड मैं जो अक्सर बोलता रहता हूँ, आज मैं फिर से आपको याद दिला देता हूँ कि फ्रेंड इंग्लिश से रिलेटेड आपका कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी क्वेरी हो, कुछ भी आस्क करना हो, तो आप विदाउट हेजिटेशन कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। फ्रेंड मैं आपको फुल कॉन्फिडेंस दिलाता हूँ कि फ्रेंड आपका जो भी प्रॉब्लम होगा फ्रेंड मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा और फ्रेंड आपका जो इंग्लिश है वो बहुत जल्द फ्लुएंट हो जाए। और फ्रेंड आप कंटिन्यू बने रहे मेरे चैनल के साथ, क्योंकि फ्रेंड मैं अपने वीडियो में फ्रेंड रोज़ फ्रेंड कुछ न्यू वोकैबुलरी, कुछ न्यू डेली यूज सेंटेंसेस, कुछ फ्रेजेज और फ्रेंड इंग्लिश ग्रामर का जो यूज़ होता है मैं फ्रेंड अक्सर अपने वीडियो में बताता रहता हूँ। इसलिए फ्रेंड आप मेरे चैनल के साथ बने रहें और कंटिन्यू हमारी वीडियो को देखते रहें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और फ्रेंड जिन फ्रेंड ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एडवांस लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया है, उन फ्रेंड से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल एडवांस लर्निंग को सब्सक्राइब कर लें, ताकि फ्रेंड मैं जब भी कोई लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँगा तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले सबसे पहले आपके फ़ोन पे आ जाएगा और आप मेरी वीडियो से हेल्प ले सकते हैं और अपने इंग्लिश को फ्लुएंट कर सकते हैं। और फ्रेंड इसी के साथ फ्रेंड आज का वीडियो यहीं पर फिनिश हो रहा है। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड बाय।